गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। गुरु हमें बताते हैं कि गीता में भगवान ने छठे अध्याय में कहा है कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे या अपना पतन करे, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु। मनुष्य या तो अपना उद्धार करे या अपना पतन करे, क्योंकि मनुष्य अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु। हम अपने मित्र कब है और हम अपने शत्रु कब है? हम मित्र अपने तब हैं जब हम भगवान में लगे हुए, जब हम संसार से मिले हुए नहीं, जब हम अपनी आत्मा में हैं, जब हम गुरु के सानिध्य में हैं, जब हम गुरु के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, तो अपने मित्र हैं। हम भजन कर रहे हैं, हमारे जीवन में भजन, सत्संग, विचार सब है। और जब हम बिल्कुल मन से मिले हुए हैं तो हम अपने शत्रु हैं। तो मनुष्य अपना ही शत्रु है ना, अपना ही शत्रु है। अगर वो किसी में दोष दृष्टि नहीं रख रहा, सबके लिए भगवत भाव है, अपना मित्र है। अगर दोष दृष्टि रख रहा है तो अपना ही शत्रु है। देह भाव जी में भाव में पड़ा हुआ है तो अपना शत्रु है। मन से मिला हुआ है तो अपना शत्रु है। मन को मन से अलग है, भगवान में लगा हुआ है तो अपना मित्र है। तो मनुष्य अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। तो भगवान ने कहा कि अपना इस संसार सागर से उद्धार करे। तो हमें इस संसार सागर से अपना उद्धार करना है, हमें भगवान की ओर चलना है, हमें राग द्वेष से हटकर प्रेम की ओर चलना है, भगवत प्रेम की ओर। सबसे पहले हमारा गुरु के सानिध्य में भगवान से प्रेम होता है, भगवान से अपनापन होता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और हम उनकी तरफ चलते हैं, तभी हम अपना उद्धार कर सकते हैं। और अगर हमने संसार से अपनापन किया तो ये जो संसार का चक्र है, इसी चक्र में हम कोलू के बैल की तरह घूमते रह जाते हैं, हमारा उद्धार हो ही नहीं पाता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये कोलू का बैल का चक्र ऐसा है कि इसी में मनुष्य घूमता ही रहता है। यदि अपने उद्धार और पतन में दूसरों का दूसरा कारण होगा तो उद्धार कभी हो सकेगा नहीं। वास्तव में दूसरा सुख दुख दे सकता ही नहीं, अपने ही किए हुए कर्मों के फल से परिस्थिति आती है। दूसरों को सुखदाई दुखदाई मान लेना गलती है। कह रहे हैं इसमें कि मनुष्य अपने ही कर्मों से सुखी और दुखी होता है, दूसरे को अपने सुख दुख का कारण मानना गलती है। कोई कितना भी हमारे हिसाब से चले फिर भी हम सुखी नहीं हैं। मनुष्य अपने ही कर्मों का फल भोगता है ना, अपने ही कर्मों का फल भोगता है, अपने ही कर्मों से सुखी दुखी होता है, दूसरा उसे कोई सुखी दुखी नहीं कर सकता। और अपने ही स्वभाव से मनुष्य सुखी दुखी होता है, दूसरा कोई उसे सुखी दुखी करेगा ही नहीं। तो हम सुखी दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारे अपने कर्म ठीक नहीं है, हमारा अपना स्वभाव ठीक नहीं है, हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम नाम रूप कर्म स्वभाव देख रहे हैं, हमारे अंदर में प्रेम नहीं है, प्रेम की कमी है। हमारा पूरा ध्यान अपने शरीर की तरफ, मन की तरफ, संसार की तरफ है, भगवान की तरफ नहीं है। इसीलिए हम दुखी हैं। संसार में आप कितना भी किसी को खुश करिए, कोई खुश होता ही नहीं, और भगवान झट प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए कैसी भगवान की लीला है कि संसार जो कभी प्रसन्न नहीं होता उसको प्रसन्न करने में तो हम लगे पड़े, और भगवान जो झट प्रसन्न हो जाते हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है ना, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। तो हमारा ध्यान किसकी तरफ होना चाहिए? भगवान की तरफ। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूंगा, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे। हमारा ध्यान भगवान की तरफ होना चाहिए, संसार की तरफ बिल्कुल। जैसे एक बच्चा जो था वो एक ताले बनाने वाले के पास जाया करता था, तो उसने एक बार उससे प्रश्न पूछा कि हथौड़ा बड़ा है कि चाबी? तो उसने कहा चाबी बड़ी है। उसने कहा क्यों, चाबी तो इतनी छोटी सी होती है, हथौड़ा इतना बड़ा होता है। तो उसने कहा हथौड़े को इतनी जोर जोर से मारते हैं तब ताला टूटता है, और चाबी जो है अंदर घुस के छोटी सी चाबी होती है वो उसके ताले को छूती है, उसके दिल को छूती है और खुल जाता है। तो ऐसे ही इस संसार में हम जोर जबरदस्ती से, कितने भी हम शक्तिशाली हैं,
कितनी बड़ी पोस्ट पर, कितना भी पैसा है, पर हम संसार में किसी को अपने मन से नहीं चला सकते। सबके अपने अपने कर्म स्वभाव, सबका अपना अपना नेचर है। तो जब जब हम किसी को अपने कर्म स्वभाव, उसके कर्म स्वभाव से एक्सेप्ट नहीं करते हैं और अपनी तरह चलाने की कोशिश करते हैं, तो हम दुखी होते हैं, हमारे कर्म बनते हैं। तो को काहू को नाही सुख दुख को दाता, निज कर्म फल भोगे ही सब भ्राता। कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं है, सब अपना ही कर्म का फल भोगते हैं संसार में। कोई किसी को सुख दुख दे नहीं सकता, देने में समर्थ ही नहीं है, सब अपने ही कर्म का फल भोग रहे हैं। क्या करें हम? अपना उद्धार करें। देखिए, एक बार मुझे सुबह भजन करने जब बैठे तो ये बात याद आ रही थी कि कहा कि 100 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ के दान करना चाहिए, और 1,00,00,000 काम छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए और सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग और भजन, ये दो ही चीज़ें हैं जो हमारा उद्धार करती हैं। सत्संग से हमें संत महापुरुषों की इतनी सारी वाणी मिल जाती है, इतनी समझ मिल जाती है, हमारी आँख खुलती है, हमारा मन संसार से हटता है, राग द्वेष से हटता है, संसार के रुपये पैसे नाम रूप गुण स्वभाव कर्म इन सब से हटता है और भगवान में लगता है। जब तक मन भगवान में नहीं लगेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते और ना हम खुश होंगे। कितना ही हम संसार में खुश किसी को करने में चले, वो अगर आपने 99 बार उनके लिए किया, 1 बार नहीं किया, कोई खुश हो गई? तो कोई हमारे दूसरा दुख का कारण नहीं है, हमारे दुख के कारण हम स्वयं हैं। आपके माने बिना गुरु उद्धार कैसे करेंगे? आप गुरु को स्वीकार करोगे तभी उद्धार करे होगा ना। अनादि काल से संत होते आए हैं, भगवान के अवतार भी अनेक हुए हैं, फिर हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके सम्मुख नहीं हुए, हमने उन्हें स्वीकार नहीं किया। बोला गुरु भी हमारा उद्धार नहीं कर सकते। कोई टीचर पढ़ा सकता है पर बच्चे को एग्जाम पास नहीं करा सकता। माँ बच्चे को रोटी का गस्सा दे सकती है पर हजम तो बच्चा खुद ही करेगा ना। तो ऐसे ही हमारा उद्धार कोई नहीं कर सकता। हमारा उद्धार गुरु बता सकते हैं पर हम गुरु को माने ना, हम गुरु की बात माने तब तो उद्धार होगा। अगर हम गुरु की बात माने ही ना तो हमारा उद्धार कैसे होगा, है ना? हम गुरु की बात माने ही ना तो उद्धार कैसे होगा? तो हमें गुरु की बात माननी पड़ेगी। गुरु की बात मानना क्या है? जो गुरु बता रहे हैं कि इस संसार के मालिक भगवान है, हमको चलाने वाले भगवान है, तो पूरा हमारा समर्पण, पूरा विश्वास भगवान में, हमारा मन भगवान में, हमारा मन और इंद्रियां भगवान में लगी, तभी हमारा उद्धार होगा। और हम दूसरों को अपने कर्म स्वभाव का, दूसरों को अपने सुख दुख का कारण मानते रहेंगे तो दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे, ये ब्लेम गेम चलता रहेगा और हमारा उद्धार नहीं होगा। तो नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर हैप्पीनेस और आर अनहैप्पीनेस। हम खुद रिस्पॉन्सिबल है, खुद। कोई दूसरा मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, इसकी गांठ बांध दीजिए। किसी को ताकत नहीं है कि आपको सुखी दुखी कर सके। हम स्वयं अपने को सुखी दुखी कर रहे हैं, हम स्वयं अपने सुख दुख का कारण। अगर हम दुखी ना होना चाहें तो हमें कौन दुखी करेगा? तो नोबडी कैन मेक मी अनहैप्पी। सत्संग कर्म का फल नहीं है, ये कृपा अथवा अपने उद्योग से मिला है। आपका अपना विचार ना हो तो सुबह उठकर कौन सत्संग में आए? कहने सत्संग भगवान की कृपा है, है ना? सत्संग भगवान की कृपा है और ये हमें अपने उद्योग से नहीं मिला, ये भगवान की कृपा से मिला। तो अपने उद्योग से मिला है या भगवान की कृपा से मिला? तो अगर हम सुबह से उठकर सत्संग में ना आए, हम भजन ना करें, तो कोई क्या कर सकता है? हमें भगवान में लगना है, भगवान से प्रेम करना है, भगवान से अपनापन करना है, निरंतर सत्संग सुनना है। सत्संग सुनने से मन बहुत बदल जाता है। मनचाही किसी की नहीं होती। यदि चोर डाकू की मनचाही हो जाए तो क्या वह किसी के पास धन रहने देंगे? जो वस्तु हमारी है उसे कोई दूसरा ले नहीं सकता। कह रहे मनचाही तो चोर डाकू की भी नहीं होती, राजा की भी नहीं होती, किसी के मन की होती है दुनिया में बताइए? किसी के मन की नहीं होती, तो हमारे मन की कैसे हो जाएगी? तो जो मिला है बहुत अच्छा मिला है, उसका खूब शुक्राना माने, उसको स्वीकार करें
और अपना उद्धार करें। अपना ध्यान संसार के नाम रूप कर्म स्वभाव में ना लगा के भगवान में लगा, है ना। अपना ध्यान संसार के नाम रूप कर्म स्वभाव में ना लगा के भगवान में लगा। भगवान आप इस संसार के मालिक हैं, आप चलाने वाले हैं। अगर जो भगवान में लगा हुआ है, देखिए उसके जीवन में आनंद शांति है, उसके जीवन में प्रेम है, और जो भगवान में नहीं लगा हुआ उसके जीवन में कितना भी वो कुछ कर ले, कितना ही पैसा कमा ले, कितना भी भोग भोग ले, कितना भी कुछ कर ले, खुश नहीं है। तो मनचाही किसी की नहीं होती, राजा की भी नहीं हो सकती। तो खुशी का कारण भोग नहीं है, खुशी का कारण परमात्मा है। असत सिनेमा की तरह है, उसमें संसार तो चित्र की तरह है और परमात्मा पर्दे की तरह है। जब सब व्यवहार दिखता है और मिट जाता है, पर पर्दा ज्यों के त्यों रहता है। असत सिनेमा की तरह है, जैसे हम पर्दे पे जाके सिनेमा देखे, दो तरह से ये दृष्टांत कह रहे हैं। असत तो सिनेमा की तरह है, उसमें संसार तो चित्र की तरह है और परमात्मा पर्दे की तरह है। जब हम पिक्चर हॉल में जाते हैं तो हमें चित्र दिखाई देते हैं, तो वो चित्र तो संसार रूपी है ना, मतलब संसार में जो सीन्स आ रहे हैं वो सब चित्र हैं। तो पिक्चर में जो चित्र होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब झूठे होते हैं। अगर आग लग गई पर्दे पे तो आप छू के देखिए पर्दे को, पर्दा क्या गर्म हो गया? अगर बारिश हो गई तो पर्दा क्या गीला हो गया? सब झूठे हैं, सब लीला कर रहे हैं। ऐसी संसार रूपी पर्दे पर भगवान की लीला चल रही है, अनेक रूपों में भगवान लीला कर रहे हैं। तो किसी भी बात को हमें सच्चा नहीं मानना, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, सब सेम चेंजेबल है, सब कुछ चेंजेबल है संसार। इस संसार में ज्यादा अपना मन नहीं लगाना चाहिए, मन लगाना चाहिए भगवान के लिए। नहीं, दिल तो है दिल भर के लिए, दर दर पे लुटाया नहीं जाता। दिल किसके लिए है? दिल भर के लिए, दर दर पे नहीं लगाया जाता। फिर हम लोग इस दृष्टांत को कैसे सुनाते हैं? तो हमारे गुरुजी पहले सुनाया करते थे कि संसार रूपी पर्दे पर माया रूपी फिल्म चल रही है चेतन बल्ब के आधार से। संसार रूपी पर्दा है, इस पे माया रूपी फिल्म चल रही है, किसके? चेतन बल्ब, जो पीछे लाइट का प्रोजेक्टर है उससे चल रही है। लाइट चली जाए तो फिल्म आएगी? नहीं आएगी। तो हम लोग भी इस संसार रूपी पर्दे पर माया रूपी फिल्म में जो हम बल्ब की ओर तो देख नहीं रहे, परमात्मा की ओर तो देख नहीं रहे, चेतन की ओर तो देख नहीं रहे, जो फिल्म चल रही है उसमें पूरा खो गए, उसमें पूरा अपनापन कर लिया है, उसमें पूरा खो गए हैं, उसको पूरा सत मान लिया है, जबकि सत तो परमात्मा है। संसार की महत्ता दोष जनित है, अपने में दोष के कारण ही महत्ता दिखती है। संसार की महत्ता जो है वो दोष जनित है। अगर हम ज्यादा संसार को महत्व दे रहे हैं तो ये हमारे अंदर दोष है। उसमें दोष, अपने में दोषों के कारण ही महत्ता दिखती है। कह रहे हैं अगर हमारे अंदर दोष होंगे तभी हम संसार को इतना महत्व देंगे। अपने में काम रूपी दोष होता है तो स्त्री अच्छी लगती है। हमारे अंदर कामना होती है तो स्त्री अच्छी लगती है, कितनी सुंदर है, काश ही मेरी पत्नी होती, काश ही मेरी होती। स्त्री को कपड़े गहने अच्छे लगते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें महत्ता है। अपने लोभ रूपी दोष होता है तो रुपये अच्छे लगते हैं। हमारे अंदर लोभ है इसलिए रुपये, प्रॉपर्टी, पैसा ये अच्छा लगता है। रुपये क्या, आदमी एक बीमार बेड पर पड़ा है उसके लिए रुपये पैसे की क्या वैल्यू है? प्रॉपर्टी का क्या करेगा? खाएगा? खा तो सकता नहीं है, बेड पे पड़ा हुआ है। तो किसी चीज की वैल्यू नहीं। भूख के कारण भोजन अच्छा लगता है। संसार को महत्ता देने से बड़े बड़े अनर्थ होते हैं। भूख होती है तो भोजन अच्छा लगता है। कह रहे हैं संसार में किसी चीज की महत्ता नहीं है, महत्ता है परमात्मा। तो अगर हम भगवान को महत्ता दे रहे हैं तब तो हम सुखी हैं।
हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो भगवान है, हमारा जो महत्व बुद्धि है वो भगवान में होनी चाहिए कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी परमात्मा है, उनमें मेरा मन होगा तो मैं खुश होऊंगा, और उनमें मेरा मन नहीं होगा तो मैं सुखी दुखी होता ही रहूंगा संसार। तो इसलिए संसार को महत्ता देना बड़ा अनर्थ है, तो पूरा अपना मन संसार में लगा देना, उसको महत्व देना हमारे दुख का कारण है, अनर्थ का कारण। इसमें हमें मन नहीं लगाना है, मन लगाना है भगवान में। दिल तो है दिल भर के लिए, दर दर पे लुटाया नहीं जाता, दर दर पे लगाया नहीं जाता। लेना ही लेना जड़ता है और देना ही देना चुनता है। लाओ लाओ लाओ, प्यार भी लाओ, मान सम्मान भी लाओ, सुख भी लाओ, आराम भी लाओ, पैसा भी लाओ। लाओ लाओ क्या है, जड़, जड़ता क्या है, आप पूरा मन से मिले हुए हैं और देहभाव में पड़े हुए, जड़ता है। जिसके मन में लाओ 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 है वो जड़ है, और देना देना जो भगवान क्या ले रहे हैं हमसे, भगवान हमें दे ही दे रहे हैं ना, तो भगवान पूरे चेतन है। तो जिसके जीवन में देना ही देना है, सुख ही सुख है सुख देने में, और दुख ही दुख है सुख लेने में, जितना हमारा देने का भाव है उतने हम चेतन है, और जितना हमारा लेने का भाव है उतने हम जड़ है। और लेने का भाव नहीं होना चाहिए, देने का भाव होना चाहिए। खाली आप पैसा ही नहीं दे सकते, दूसरे को मान, दूसरे को सुख, दूसरे को आराम, दूसरे को, जैसे गुरु कहते हैं हमारे घर में दिया, दिया जलाते तो शुभ होता है ना, दिया बुझ जाता है तो अशुभ होता है। तो हम भी अपने घर का दिया बने, सबको सुख दें, आराम दें, मान दें, प्रेम दें, सम्मान दें, सबको। देने से हमारे जीवन में चिन्मयता आती है और लेने से जड़ता आती है। भगवान और उनके भक्त देते ही देते, कहते हैं भगवान और उनके भक्त देते ही देते हैं, जो लेता है और देता है वे मनुष्य। भगवान के भक्त देते ही देते हैं और जो लेता है और देता है वे मनुष्य। जो लेना बंद करके देना शुरू कर दे वह साधक हो जाता है, जो लेना बंद करके देना शुरू कर दे वो साधक हो जाता। तो हमें लेना बंद करके देना शुरू करना है तो हम साधक बन जाएंगे, और हम देना ही देना कर दें तो हम भक्त बन जाएंगे, सिद्ध बन जाएंगे। तो लेने की भावना, मुझे प्रेम मिले, मुझे सम्मान मिले, मुझे सुख मिले, मुझे आराम मिले, मुझे भोग मिले, मुझे मुझे पूछा नहीं, मुझे मान नहीं दिया, मेरे मन की नहीं हुई, ये सब हमें जड़ की ओर ले जा रहे हैं, हम जड़ बनते जा रहे हैं। जो दे ही दे रहा है वो चिन्मय होता जा रहा है। हमारा जीवन गुरु, गुरु के सारे शुक्राने, गुरु की सारी मानता है, वो हमारा जीवन जड़ता से चिन्मयता की ओर ले जा रहे, हमें जड़ से चिन्मय बना रहे। हमारी संस्कृति सब कार्य धर्म के अनुसार करने की है, कह रहे हमारी संस्कृति सब कर्म धर्म अनुसार करने की है। इसलिए हम हरेक काम ब्राह्मण से पूछते हैं, आप जो जो काम करते हैं उसमें ये भाव लें कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ। कह रहे हैं आप जो भी काम करते हैं आप भगवान की पूजा करते हैं, है ना, उसमें आप ये भाव बना लें कि भगवान की पूजा करता हूँ। ये आज नियम ले लें कि शौच स्नान आदि भी भगवान का पूजा समझ के करें। कह रहे हैं सुबह से रात तक जो भी आप काम कर रहे हैं वो सब भगवान की पूजा, स्नान करना, शौच जाना, प्रसाद बनाना, ऑफिस का काम करना, बच्चों को का लालन पालन, सब पूजा है। हम सुबह से रात तक जो काम करते हैं इस उसको भगवान का काम करते हैं। ये शरीर भगवान का है, इसको साफ रखना भी भगवान की पूजा है। तो गुरु कहते हैं 24 घंटे में से सुबह से उठ के और रात के सोने तक सोते भी किसके लिए, भगवान के लिए। भगवान को याद करके सोइए, भगवत भाव में सोइए, वाणी सुनते हुए सोइए और भगवत भाव में उठिए। तो मेरे लिए संसार जो है मुझे भगवान के लिए मिला है,
भगवान ही मेरा लक्ष्य है, भगवान ही मेरी मंजिल है, भगवान की ओर ही मुझे चलना है और मुझे अपना उद्धार करना। हमें पहले से बेहतर होते जाना, बद से बदतर नहीं होना, पहले से बेहतर ही होना। अभी लास्ट पॉइंट है भक्ति में, गीता में भक्ति की विशेषता है, भक्ति में भगवान भक्त के विशेष संरक्षक होते हैं, उसका विशेष ख्याल रखते हैं। कह रहे हैं भगवान ने गीता में शरणागति और भक्ति दी है, तो शरणागति क्या होती है? शरणागति है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ये खास शरणागति। अब कह रहे हैं गीता में भक्ति की महत्ता है, जैसे स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं अब जीवन भर मुझे भिक्षा खिलाएं, मतलब प्रसाद खिलाएं, जीवन भर तीनों टाइम, दोनों टाइम प्रसाद दें, और आप मुझे प्रसाद न दें पर मुझे आप मेरी बात मान लें कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, तो आपका ज़्यादा उद्धार हो। तो अब अगर हम देखें कि भक्ति क्या है, जब हम देखते हैं नारद जी जब आए, भक्ति महारानी रो रही थी, है ना, जब कलयुग की शुरुआत होती है तो भक्ति महारानी रो रही है, तो उन्होंने कहा नारद जी ने भक्ति महारानी से कि भगवान पहले भी थे आज भी हैं, तो आप क्यों रो रही हो, और ज्ञान और वैराग आपके पुत्र जो है वो पड़े हुए हैं, बुढ़े हो गए और आप जवान हो, फिर भी भक्ति महारानी रो रही क्योंकि उनके पुत्र बुढ़े हो गए, ज्ञान और वैराग। तो क्या है कि कल जब सतयुग था तो सब लोग भक्ति में लगे रहते थे, आनंद ही आनंद था, फिर त्रेता आया, राम जी का समय आया, तो लोग फिर भी थोड़े भगवान से विमुख हो गए, उतना सुख नहीं था, फिर द्वापर आया तो और दुख बढ़ा, और कलयुग तो कलह का युग है, तो पूरा ही दुख बढ़ गया। तो भक्ति महारानी कह रही है कि माया जो है भगवान की दासी है, तो जो भगवान से दूर जाता है तो माया उसको थप्पड़ लगाती है, क्यों रे तू भगवान से दूर क्यों जा रहा है, तू भगवान में लग, तू भगवान से प्रेम कर, तू भगवान से अपनापन कर, तू जितना भगवान से दूर जाएगा तो उतना ही तुझे दुख मिलेगा। कलयुग जो है वो कलह का युग है, तो जितना हम कलयुग में, है ना, जितना हम कलयुग में भगवान से दूर जाएंगे उतना हमारे जीवन में दुख बढ़ेगा, और माया जो है भगवान की दासी है, तो जो भगवान से दूर जाता है उसको थप्पड़ लगाती, चल तो भगवान की ओर चल। तो माया जो है वो भगवान की दासी है, तो आप भगवान के चरणों में चलेंगे, भगवान की तरफ चलेंगे, तो आपको सारी माया आपकी सेवा करेगी, और आप माया के पीछे भागेंगे तो आप दुखी होंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो गीता में भगवान भक्ति की श्रेष्ठता बताते, भगवान कह रहे हैं मुझे भक्ति सबसे प्रिय है, क्योंकि भक्ति में भक्ति आसान भी है, क्योंकि हमें अपनापन तो करना आता ही है, हम जगत से अपनापन करते हैं, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी, मेरा, मेरा, मेरा करके, मेरे पति, कितना अपनापन होता है सबसे, तो वही अपनापन जगत से हटा के मैं भगवान में करना है, यही भक्ति कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। तो वो भी कह रही है कुंती माता भी कि मेरा जो पुत्र, मेरे, मेरा मोह जो मेरे पुत्रों में है उसे हटाकर आप भगवान में लगा। तो हमें क्या करना है कि अपना मोह हटाकर संसार से भगवान में लगाना, कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे, हे नाथ ये जीवन तो जा रहा है, समय तो जा रहा है, कब भजूंगा मैं राम, कब मैं लगाऊंगा मन भगवान में, कब मेरा मन भगवान में लगेगा, कब मुझे भगवान प्यारे लगेंगे, कब मेरा जीवन सार्थक होगा, तो मेरा एक भी मिनट वेस्ट ना जाए बिना आपके भजन के, मैं किसी के कर्म स्वभाव ना देखूं, मैं नाम रूप ना देखूं, मेरा ध्यान आपकी ओर रहे, मेरी मंजिल, मेरा लक्ष्य, मेरे जीवन आप हैं प्रभु, आप हैं। तो गुरु के शुक्राने हैं जो हमें संसार की तरफ से हटाकर भगवान से जोड़ते हैं, भगवान से प्रेम कराते हैं और भगवान से अपनापन कराते हैं।